सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 5 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक पेंसिल बम बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 6 महिलाएं और एक बच्चा है। कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। बताया गया है कि इस अवैध फैक्ट्री में बर्थडे केक पर लगने वाले पेंसिल बम और मोमबत्ती बनाई जाती है। चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 4 बजे यहां पर आग एक छप्पर में लगी, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में यह आग फैल गई। अंदर काम कर रहे लोग बाहर नहीं निकल सके। जलने की वजह से इन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक का नाम नितिन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंदर कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं। घायलों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घात लगाकर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे फरार है। पुलिस ने उसके घर को जमींदोज कर दिया है। इस बीच कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि विकास ने घर की दीवारों में हथियार और कारतूस चुनवा रखे थे। उन्होंने यह भी बताया कि जो कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। आईजी अग्रवाल ने बताया कि विकास दुबे के गिरा दिए घर से पुलिस को हथियार मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास ने घर में हथियार छुपाए हुए हैं। विकास ने हथियार और कारतूस घर की दीवार में चुनवाए थे। पुलिस अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस वारदात में जिस किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की मदद कर रहे हैं ताकि अपराधी दुबे का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि इस गैंगस्टर के नाम पर करीब 60 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसे राजनीतिक संरक्षण मिलने की जानकारी भी सामने आ रही है। कर्नाटक के हावेरी जिले में पीपीई किट में लिपटा एक इंसान का शव बस शेल्टर से बरामद हुआ है। आशंका जताई गई है कि यह शख्स कोरोना संक्रमित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक राने बेन्नूर तालुका हॉस्पिटल के पास वाले बस स्टॉप पर यह शव फेंका गया था। सूत्रों के मुताबिक अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों ने ही शव को लोगों के सामने ही पीपीई किट में पैक किया था। इसके बाद कई घंटों तक शव बस शेल्टर में रखा गया था। बताया गया है कि अस्पताल कर्मचारियों ने शव को बस स्टॉप पर छोड़ दिया था। 3 घंटे में ही शव के बस स्टॉप पर पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारी शव को लेने वापस आए। बताया गया कि 45 वर्षीय व्यक्ति बुखार होने के बाद अस्पताल पहुंचा था और 28 जून को उसका सैंपल लिया गया था। वह शनिवार को रिपोर्ट लेने गया था। पीड़ित अस्पताल पहुंचा तो रिपोर्ट तैयार नहीं थी। उसे बताया गया कि थोड़ा समय और लगेगा। यह जानकर पीड़ित व्यक्ति अस्पताल के पास ही बने बस शेल्टर में बैठ गया। कुछ घंटे बाद उसकी बस शेल्टर में ही मौत हो गई। अस्पताल कर्मचारियों को सूचना मिली तो उन्होंने शव को पीपीई किट में ढक दिया और वहां से चले गए। जब इस सब का वीडियो वायरल हुआ और जनता का गुस्सा सामने आया तो अस्पताल के कर्मचारी वापस आए और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। डीएचओ राजेंद्र डोडामणि ने स्वीकार किया कि कोरोना के संभावित मरीज का शव पीपीई किट में लपेटा गया था और उसे बस शेल्टर पर पाया गया। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक पूर्व नौकरशाह ने राष्ट्रवादी विकास पार्टी के नाम से एक नया राजनीतिक दल बनाया है। उन्होंने इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने रविवार को कहा कि यह समाज में सामाजिक सौहार्द और समग्र विकास लाने का एक प्रयास है। भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीवास्तव ने कहा, यह राजनीतिक संगठन अलग तरह का होगा। यह ओछी राजनीति नहीं करेगा बल्कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अखिल भारतीय IRS सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी ने बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
सूत्रों के मुताबिक करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में दोनों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियाँ दी जा रही हैं उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। दिल्ली में 100 वर्ष से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग हाल ही में कोविड-19 से अपने बेटे की तुलना में अधिक तेजी से स्वस्थ हुए हैं, जो 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के समय 4 वर्ष के थे। उनके बेटे की उम्र भी लगभग 70 वर्ष है। डॉक्टरों ने बताया कि 106 वर्ष के रोगी को हाल में कोविड-19 से ठीक होने के बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से छुट्टी दी गई। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि वह दिल्ली में कोविड-19 के पहले मरीज हैं जिन्होंने इसी तरह की महामारी स्पेनिश फ्लू का 1918 में भी सामना किया था। स्पेनिश फ्लू ने भी पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और वह न केवल कोविड-19 से ठीक हुए बल्कि अपने बेटे से भी तेजी से ठीक हुए। उनके बेटे भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। स्पेनिश फ्लू महामारी ने पूरी दुनिया में 102 वर्ष पहले दस्तक दी थी और उस वक्त पूरी दुनिया की लगभग 1/3 आबादी इससे प्रभावित हुई थी। अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक हाल के इतिहास में 1918 की महामारी सबसे खतरनाक थी। यह H1N1 वायरस के कारण फैला था। इसने कहा कि अमेरिका में इस बीमारी से अनुमानतः 675,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत में माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों के साथ यह वायरस आया था। समझा जाता है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी से जितने लोगों की मौत हुई थी उसके 5वें हिस्से के बराबर भारत में मौत हुई थी। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया 36 फ्लाइट संचालित करेगा। एयर इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक इन फ्लाइटों का संचालन वंदे भारत मिशन के तहत किया जाएगा। ये सभी 36 उड़ानें 11 से 19 जुलाई तक उड़ान भरेंगे। 6 जुलाई को अमेरिका के लिए अलग अलग शहरों से अलग अलग टाइम पर टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। इसमें 6 जुलाई को सुबह 2 बजे शुरू होगी जबकि न्यूयॉर्क में सुबह 10:30 बजे होंगे। वहीं शिकागो में सुबह के 9:30 बजे बुकिंग शुरू होगी जबकि सैन फ्रांसिस्को में सुबह 7:30 बजे बुकिंग शुरू होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड कर रखा है। ऐसे में विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत अब तक कई देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी भी हुई है। इसके बाद अब अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया 36 विमान का संचालन करेगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने विवादित टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तुलना जहरीले सांप से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग काले नागिन के डसने से मर जाते हैं उसी तरह लोग सीतारमण की वजह से मर रहे हैं। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह टिप्पणी नस्लवादी और महिला विरोधी है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और रेलवे के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कल्याण बैनर्जी ने सीतारमण की इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा, जिस तरह एक जहरीले सांप काली नागिन के काटने से इंसान मर जाता है उसी तरह निर्मला सीतारमण की वजह से देश के लोग एक के बाद एक मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। केरल में 1 साल तक के लिए कोरोना से जुड़ी सेफ्टी गाइडलाइंस जरूरी कर दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इनका पालन सूबे के हर नागरिक को करना होगा। गाइडलाइंस के तहत सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थलों पर सभी को फेस मास्क, फेस कवर पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी से जुड़े कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोग ही बुलाए जा सकेंगे जबकि गैर कोरोना वाले अंतिम संस्कारों में महज 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। भारत में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई राज्य सरकारों ने रविवार के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी शनिवार रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णबंदी की गई है। जहां ट्विटर पर इसे लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई तो वहीं बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर भास्कर राव ने कहा कि सभी सम्मानीय नागरिक एक दिन के लिए घर में रहें और सभी की भलाई के लिए उठाए जा रहे कदमों में छूट न मांगे। अगर एक दिन काम टल जाएगा तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा।
कृपया अनुशासन का पालन करें और सहयोग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 24,850 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड 19 के कुल मामलों की संख्या 6,75,486 हो गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,46,024 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,10,091 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 19,303 हो गया है। देश में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। मृतक संख्या के मामले में भारत पूरे विश्व में 8वें स्थान पर है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में 83,295 एक्टिव मरीज हैं, तमिलनाडु में 44,969 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 25,940, गुजरात में 8,058, उत्तर प्रदेश में 7,627, तेलंगाना में 10,487, कर्नाटक में 11,964, पश्चिम बंगाल में 6,329 और राजस्थान में 3,640 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में 10,043 जबकि हरियाणा में 3,937 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में अब तक मिले कोरोना संक्रमण के 14,604 मामलों में से 2,772 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में 2,881 एक्टिव मरीज, असम में 4,241, उड़ीसा में 2,800, जम्मू कश्मीर में 2,976 और पंजाब में 1,641 एक्टिव मरीज हैं। 5,000 से ज़्यादा संक्रमण वाले राज्यों की सूची में अब केरल भी शामिल हो गया है, जहां अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से वर्तमान में 2,129 एक्टिव मरीज हैं। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 5 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 6 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। शहर के पॉश इलाके बारा पत्थर में वाटिका रेस्टोरेंट आपकी सेवा में तत्पर है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 के दौरान यहाँ आप सभी के लिए लजीज व्यंजन, पार्टीज़ के लिए हॉल, लॉन, बर्थडे पार्टी हो या शादी विवाह का मौका, आप यहाँ आकर पारिवारिक माहौल में हवादार कमरों के साथ, हवादार जगह के साथ आप अपने घरेलू जो भी उत्सव हैं, बर्थडे पार्टी हैं, जन्मदिवस की पार्टीज़ हैं, ये शादी विवाह हैं, किटी पार्टी हैं, आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ वाजिब दरों पर संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर रोड पर वाटिका सेलिब्रेशन भी आपकी सेवा में है। वाटिका सेलिब्रेशन में एयर कंडीशन कमरे हैं, लॉन है, वाटरप्रूफ लॉन, बारिश के समय भी जहाँ आपको छत मिल सकती है, आप शादी ब्याह, सगाई, जन्मदिवस की पार्टी, किटी पार्टीज आदि यहाँ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वाटिका रेस्टोरेंट बारा पत्थर सिवनी में, वाटिका सेलिब्रेशन जबलपुर रोड स्थित वाटिका सेलिब्रेशन में, थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। वाटिका रेस्टोरेंट बारा पत्थर में आपकी सेवा में ये चालू है। पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।